ಬೇರೆನೇ ಆಚಾರ. Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. आज हमारे क्षेत्र की जो गर्भवती बहने हैं, मजदूरी में उनके पति काम करते थे और लॉकडाउन की वजह से उनकी मजदूरी खत्म हो गई, कमाई का जरिया खत्म हो गया. ऐसे में वो जो गर्भावस्था में हैं और ठीक प्रकार से उनको डाइट नहीं मिल पा रही है, उसको देखते हुए मैंने ये आयोजन किया है. और प्रत्येक महिला को हमने 5 किलो दलिया, 3 किलो गुड़, 2 नारियल, 1 किलो घी और 100-100 ग्राम बादाम और किशमिश के पैकेट मैंने दिए हैं. कुछ बहनों की 1-2 दिन पहले डिलीवरी हो चुकी है और कुछ बहनों की 1-2 दिन बाद में डिलीवरी होने वाली है. तो ऐसी स्थिति में वो ठीक प्रकार से स्वस्थ रहें. इस लॉकडाउन की वजह से जो कमाई नहीं हो पाई है, उसकी वजह से वो अच्छी डाइट लेने में यदि सक्षम नहीं है, तो उनको सहयोग किया जाए और ऐसा सहयोग करके उनको ये डाइट उपलब्ध कराई गई है. तो पूरी डिलीवरी के समय जो महिला को पौष्टिक आहार चाहिए होता है, वो पूरा संपूर्ण मैंने दिया है. क्योंकि 5 किलो दलिया है, ये बहुत अच्छी संख्या में दलिया, मतलब मात्रा में दलिया है, और गुड़ भी इसके साथ में दिया है. गुड़ खिलाया जाता है डिलीवरी के बाद में, और उनको मैंने माला पहना करके उनका अभिनंदन किया. एक तरह से ये गोद भराई भी कह सकते हैं, और एक तरह से इसको जो है, ऐसी गरीब महिलाएँ जो डाइट नहीं ले पा रही है, उनको इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आयोजन किया है. ये अभी हमने 15 महिलाओं का किया है, और जैसे आने वाले समय में यदि और ज़रूरत पड़ेगी तो और करते रहेंगे. महिलाएं हैं, उनकी बहुत पढ़ाई की जा रही है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो अपने निवास स्थान पर जो बहुत पढ़ाई की रस्म अदाई की है, उसको पूरी की जा रही है. और जो भी रस्म के अंदर जो सामग्री दी जाती है, वो पूरी जो विधायक है अनिता पटेल, उनके द्वारा दी जा रही है. क्षेत्र की